बड़ी और दुखद खबर है, जहां अखनूर में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरने से 5 बच्चों समेत 22 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ये सभी उत्तर प्रदेश के हाथरस के थे और इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और पीएमओ की तरफ से मृतकों के जो परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को पानी देना कम कर दिया था और इसीलिए यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि 1 मई को यमुना का जलस्तर 674.5 फीट था, जो 28 मई को 669.8 फीट पर आ गया। यानी दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा ने दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसाया और इसी वजह से दिल्ली में जल संकट बढ़ गया लेकिन बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार का बहाना माना। यानी एक ओर भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली के लोग पानी के लिए परेशान दिखे तो दूसरी ओर इस पर सियासी पारा चढ़ गया और दिल्ली में पानी पर मारामारी के साथ साथ सियासी मारामारी भी छिड़ गई। इस बीच दिल्ली के लोगों पर पानी बचाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लग गईं और तय किया गया कि दिल्ली में पीने का पानी बर्बाद करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली में 200 टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पाइप से कारों की धुलाई, पानी की टंकियों का ओवरफ्लो और निर्माण कार्य के लिए पीने या घर के काम में आने वाले पानी का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगेगा। यानी